Shali Gag, I am from Bharatpur. First of all, Happy New Year. मैं चाहती हूँ कि दामिनी के जो केस हुआ है उसमें उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए और महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है और वो मिर्ची लेकर हाथ में चले। दामिनी के जो अत्याचारी है उनको फांसी की सजा। वो इन्होंने बुलाया जो पिछले दिनों से दिल्ली में आतंक तो बहुत दिन से था दिल्ली सरकार का और कांग्रेस सरकार का। जो 15 दिन पहले जो एक लड़की थी, छात्रा थी, जो इतने गरीब परिवार से थी, वो खुद भी पढ़ती थी और गरीबी परिवार के देखते हुए अपनी पढ़ाई के लिए वो ट्यूशन कर ले भी जाती थी। तो ट्यूशन करके जब वापस हो रही थी तो जो बस में जो बैठी हुई थी वो पूरी बस भरी हुई थी। अपना अपना जैसे जैसे यात्रियों का स्थान आता गया उतरते गए, लास्ट में जो 6 दरिंदे व्यक्ति थे वो उसमें रह गए, एक दामिनी रह गई, एक दामिनी का साथी था वो रह गया। जो उन 6 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती से रेप किया, उसको मारने पीटने का काम किया, जो लड़का उसका साथी था उसमें भी चोट दे करके वो भी बस से गिरा दिया और पूरी रात दिल्ली सरकार देखती रही और उसकी लड़की के साथ अत्याचार बलात्कार होता रहा। तो केंद्र सरकार, उसकी राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार अभी तक उस दोषियों के खिलाफ अभी ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बनाया है कि आयदा आगे कोई ऐसी दामिनी दुष्टों की शिकार ना हो और हमारी जो बहन बेटियां हैं आगे सुरक्षित रह सकें। अभी कांग्रेस सरकार ने अभी ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बनाया है। वो कह देती है कि हमारे बस में उसके सुरक्षा के 2 आदमी जाएंगे, लेकिन अभी तक वो नियम लागू नहीं। उम्मीद है सरकार ऐसा कोई कड़ा कानून बनाएगी? अभी कांग्रेस सरकार से हमें लगता है वो अभी जब तक और 2 जो विरोधी पार्टी हैं उनको कड़ा जवाब नहीं देगी, जनता देश की प्रदेश की जनता उनको कड़ा जवाब नहीं देगी और कांग्रेस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम नहीं देगी। आगे ना हो इसके लिए आपका क्या सहयोग रहेगा? हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कड़ा कानून बनाया है कि कोई भी हमारी नौजवान बहन बेटियों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसमें 108 नंबर डायल करें, 10 मिनट के अंदर वहाँ पुलिस प्रशासन जाएगा और ऐसे दुष्टों के साथ इतने कड़े कानून बना करके उसमें जेल में डालने का काम करें।